इंच बारिश, एमपी में कोटापुरा 18 सितंबर से फिर नया सिस्टम, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग में होगी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज, देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो गया है। सितंबर महीने में अब तक औसत 11 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस महीने की सामान्य बारिश 6 इंच है। यही वजह है कि प्रदेश सूखे से बाहर तो निकला ही है, ओवरऑल बारिश का आंकड़ा भी बराबरी पर आ गया है। प्रदेश में अब तक औसत 36.94 इंच पानी गिर चुका है। 28 सितंबर से फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इससे इंदौर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग फिर से भीगेंगे। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में इसका असर कम रहेगा, हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन भारी बारिश का अनुमान नहीं है। आईएमडी भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिस्टम एक्टिव रहेगा। वर्तमान में प्रदेश से साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और 2 ट्रफ लाइन गुजर रही है, इस कारण प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप छांव और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। अब तक औसत 36.94 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि 36.92 होनी चाहिए थी। दोनों आंकड़ों के आधा फीट का अंतर भी नहीं है। प्रदेश में ओवरऑल 0.1% बारिश कम हुई है। नरसिंहपुर में आंकड़ा 51 इंच से अधिक है, यहां सबसे अधिक बारिश हुई है। बल्कि झाबुआ, बुरहानपुर, खरगोन, नरसिंहपुर, सिवनी, निवाड़ी, रतलाम, भिंड, उज्जैन, राजगढ़, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, कटनी, छिंदवाड़ा, देवास, श्योपुर, कलाम, हरदा, बैतूल और अनूपपुर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। जबलपुर, सीहोर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शिवपुरी, दतिया, सागर, टीकमगढ़, नीमच, आगर, मालवा, मुरैना और शहडोल जिले में सामान्य से 90% से अधिक बारिश हो चुकी है। सतना, अशोकनगर, रीवा और सीधी जिलों में सबसे कम बारिश हुई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।